हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरिता पूरी कुकिंग एट होम किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ सबकी फेवरेट आलू की टिक्की, और ये कितनी ही क्रिस्पी बनी है आपको इसकी आवाज़ सुन के ही पता चल सकता है। ये बाहर से जितनी क्रिस्पी है अंदर से उतनी ही सॉफ्ट है। तो चलिए इस टेस्टी क्रिस्पी आलू की टिक्की को बनाना शुरू करते हैं। आलू की टिक्की बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप चावल, आधा कप पोहा, 5 से 6 उबले और मैश किए हुए आलू, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 नींबू का रस, आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। आलू की क्रिस्पी टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हम पोहा और चावल लेंगे। इसे मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल के एक फाइन पाउडर बना लेंगे इस तरह से। अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें हम उबले और मैश किए हुए आलू डाल देंगे। इसे हमने ग्रेट करके डाला है। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, भुने हुए जीरे का पाउडर, नमक, चाट मसाला पाउडर, नींबू का रस। अब हम इसमें डालेंगे चावल और पोहे का पाउडर। अभी हम इसमें 4 चम्मच डाल रहे हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें उतना ही ऐड करेंगे जिससे इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। अभी इसमें बाइंडिंग कम लग रही है इसलिए इसमें 3 चम्मच और ऐड कर रही हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स करके एक डो रेडी कर लेंगे। हमारा जो पाउडर बच जाएगा उसे हम एयरटाइट कंटेनर में डालकर फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे। ये 2 से 3 महीने तक ख़राब नहीं होगा। ये देखिए हमारा डो रेडी हो गया है। अब हम इन्हें टिक्कियों की शेप दे देंगे। हाथों में हल्का सा पहले ऑयल लगा ले और इस तरह से पेड़ा ले ले और इसे इस तरह से टिक्की की शेप दे दे। अगर आपके पास पोहा ना हो तो आप सिर्फ चावल को ग्राइंड करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, क्वांटिटी आप सेम ही रखें। इसी तरह से मैंने सभी टिक्कियों को रेडी कर लिया है। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। ऑयल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब ये अच्छे से गर्म हो गया है। मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है क्योंकि हम इन टिक्कियों को शैलो फ्राई करेंगे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। हाई फ्लेम में इन्हें बिल्कुल भी फ्राई ना करें, नहीं तो टिक्कियाँ क्रिस्पी नहीं बनेंगी। इन्हें दोनों तरफ से पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितना ही बढ़िया कलर आ गया है इनमें। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे इमली की चटनी, दही, पुदीने की चटनी और थोड़े से प्याज। पुदीने की चटनी और इमली की चटनी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल में है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।